तो यहाँ तो आपने किसी से लिए नहीं। हमने बाबा नहीं लिया, आप बोलो ले लेते। अच्छा, तो फिर तो ये बात हुई कि तुम्हारी कोई संस्था होगी, वो संस्था तुमको पैसे देती हो। आ रहे आ रहे। तो मैंने कहा दादा कोई संस्था ही नहीं है। अब उनके समझ में जाना सिविल चलने दे रहे हो, समझ आ नहीं हो रहा हमको। अच्छा अच्छा तो हम समझ गए गवर्नमेंट की ग्रांट आती होगी। मैं कहा नहीं दादा ऐसा भी नहीं, तब तो इंटरनेशनल आती होगी, कोई दूसरी संस्था दूसरे देश के लोग देते होंगे। मैं कहा बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जाने लग गए, चल दिए। अरे मैंने कहा दादा हुआ क्या बता के तू जाओ। बोले तब तो तुम जरूर है ना बड़े बाप की बिगड़ी उला दो। क्या हो हम सोच ही नहीं पाते कि बिना पैसे काम कैसे होता होगा, सोच ही नहीं सकते हम। और आपको भी सोचने में साल दो साल लगेंगे अभी, क्योंकि जब तक प्रकृति में व्यवस्था, जैसे वो कह रहा साक्षात्कार नहीं हो रहा है, काय को होगा। जब तक व्यवस्था और व्यवस्था के साथ खुशहाली को हम अध्ययन नहीं कर लेते तब तक कोई साक्षात्कार नहीं होता है। लगता है पैसे से काम चल रहा है। अगर पैसे तो फिर फिल्मी डायलॉग है, हाँ पैसे से क्या खरीद पाते हैं ना, फिल्मी डायलॉग। न्याय न्यायपूर्वक जीओगे पैसा होने से ना, न्यायपूर्वक जीओगे तो पैसे जैसे सड़ी चीज का भी सदुपयोग कर ले। आज के इस जमाने में तो हमारा क्रिएटेड है ना पैसा, सड़ी चीज में क्यों कह रहा हूँ, इट इज नॉट अ रियल थिंग। उसका भी हम सदुपयोग कर ले। गाय ले आए, चलो हम न्यायपूर्वक जीना तो पैसे से दे दी उसने, तो आराम चलो लिया पाल ली शुरू कर दी। तो पैसे जैसी सड़ी चीज का भी सदुपयोग कर लेते हैं, तो तन जैसे बड़ी चीज का भी सदुपयोग कर लेंगे। प्रकृति में जितनी चीजें हैं उनका भी हम सदुपयोग कर लेते हैं, इसके लिए समझदारी चाहिए। तो न्यायपूर्वक जीने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि न्यायपूर्वक जीते समय सभी चीजों का सदुपयोग पता।